ये हमारे ग्रैंड विटारा का सिमुलेशन किट है जो गाड़ी है उसमें हमें ये सारे सिस्टम्स हैं। तो इसमें क्या है, ये पहला ये जो चीज़ है हमारी बैटरी है, जो ऑक्सिलरी बैटरी है, ये है इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट। इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट से सप्लाई हमेशा हमेशा बैटरी की तरफ से आएगी। अब जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो रेडी ऑन होगा ऑप्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज करंट जो है हमारा बैटरी से इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट की ओर आना चालू हो जाएगा। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये करंट चालू हुआ, ये MG1 में गया, ये स्प्लिट यूनिट है, ये MG2 से स्प्लिट यूनिट, उसके बाद हमारा जो है डिफरेंशियल से टायर के थ्रू ये गाड़ी हमारी चलने लगी थी, ये इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू से चलेगी, बैटरी की मदद से ये गाड़ी अभी हमारी चल रही है। और जब हम इंजन स्टार्ट कंडीशन क्या होता है, इंजन स्टार्ट कंडीशन क्या होता है, जब हम इंजन स्टार्ट पे करेंगे तो बैटरी से पावर आएगी MG2 से, MG2 से हमारे स्प्लिट यूनिट पे जाएगी, स्प्लिट यूनिट से इधर जा रहा होगा, गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जैसे ये वाली पावर से चल तो रहा है ये हमारा ड्राइव साफ, ठीक है, लेकिन उस समय हमारी इंजन स्टार्ट नहीं है। तो इंजन स्टार्ट के लिए क्या होगा, इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट जो होगी हमारी MG1 में सप्लाई देगी हाई वोल्टेज, जिसकी मदद से ये हमारा फिर इंजन को घुमाएगा, ये जो हमारा स्प्लिट कन्वर्टर पावर स्प्लिट यूनिट है वो इंजन को घुमाएगा। अब जब हम क्रूज में मोड में आएंगे, जब एक मोड में हमारी गाड़ी चलेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंजन से पावर कुछ ये स्प्लिट यूनिट पे जाएगी, उसकी मदद से फिर जाएगी हमारी MG1 पे। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी चलना चालू हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इंजन की जो पावर रहेगी उसकी मदद से ये हमारा MG1 चलेगा ही। MG1 जो एज अ हमारा मोटर और एज अ मोटर जनरेटर यूनिट है, वो एज अ जनरेटर काम करेगा। तो इसकी मदद से जो करंट पैदा करेगा ये MG1 वो जाएगी हमारी मोटर कन्वर्टर यूनिट में, और फिर ये हमारी इस बैटरी को चार्ज करेगी। इस बैटरी को इसकी मदद से MG1 की मदद से हमारी बैटरी चार्ज होगी, और MG2 की मदद से हमारी गाड़ी चलेगी, ना कि इंजन की मदद से इस समय चल रही गाड़ी। जब हम एक्सेलेरेट करते हैं तो एक्सेलेरेशन के मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी से ये हमारा स्पीड कन्वर्टर स्पीड यूनिट जो है ये चल रही है, उसकी मदद से डिफरेंशियल चलेगा, और फिर ये MG1 जो है MG1 से ये जो पावर आ रही है वो भी हमारी बैटरी की तरफ ना जाके इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट के थ्रू MG2 में आएगी, और MG2 की मदद से हमारी गाड़ी चलेगी, ना कि इंजन की मदद से इस तरह चल रही गाड़ी। जब हम एक्सेलेरेट करते हैं तो एक्सेलेरेशन के मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी से ये हमारा स्पीड कन्वर्टर स्पीड यूनिट जो है ये चल रही है, उसकी मदद से डिफरेंशियल चलेगा, और फिर ये MG1 जो है MG1 से ये जो पावर आ रही है वो भी हमारी बैटरी की तरफ ना जाके इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट के थ्रू MG2 में आएगी, और MG2 भी स्प्लिट कन्वर्टर यूनिट को चलाएगा, जिसकी मदद से ये दोनों जो ये यूनिट है एट द टाइम हम जब एक्सेलेरेशन करेंगे वो MG1 की मदद से भी चलेगा, और ये हमारा इंजन की मदद से भी चलेगा। तो उस समय हमें डिफरेंशियल से जो हमारे टायर पे है ज़्यादा स्पीड मिलेगी और ज़्यादा पावर मिलेगी। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो आप जिस समय ब्रेकिंग सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ से ये आए स्प्लिट यूनिट पे, उसके बाद MG2 पे, MG2 से आप देख सकते हैं ये पावर जो हमारी है रिवर्स की ओर जा रही है, रिवर्स जा रही है, जिससे कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट में आएगी, और उस इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट से हमारी फिर से ये बैटरी पे जाएगी, जो कि बैटरी को चार्जिंग करेगी ब्रेकिंग के टाइम पे। और जब हम रिवर्स मोड में लेते हैं तो रिवर्स मोड जो हमारा होगा वो हमेशा बैटरी की मदद से ही चलेगा, ना कि इंजन की मदद से चलेगा। तो रिवर्स मोड में हमारी बैटरी से आएगी सप्लाई इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट से, और वो जाएगी MG1 पे, MG1 से जाएगी स्प्लिट पावर स्प्लिट कन्वर्ट यूनिट जो अपनी है इस पर, उससे जाएगी डिफरेंशियल पे, और फिर हमारे उसके डिफरेंशियल के थ्रू फिर टायर पर जाएगी। कम्प्लीट इस तरह से हमारा ये वर्क करेगा। कम्प्लीट हो गया।